अक्सनामा के साथ मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन। पहले एक अहम इतला, अक्सनामा की हर खबर ख्वातीन की नज़र से पेश की गई है। ये खालसतन तंज़ो मज़ाक पर मबनी है और इससे किसी शख्स, इदारे या नज़रियात की दिलाज़ारी कतन मकसूद नहीं। अब आज की अहम खबरें। मुल्क भर में गैरत और शर्मो हया का कहत, एमरजेंसी नाफिज। मुला रेप केस का मरकजी किरदार गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस में टॉफियों की तकसीम। ईद उल अज़हा पर हुई कलेजी की हड़ताल। ट्रांसपोर्ट में बढ़ते हुए जिंसी हरासानी केस, औरतों ने किया एक माह के लिए बसों और वैगनों का बायकॉट। मदर्स डे और माँ की गालियों पर एक खसूसी रिपोर्ट। अब खबरें तफसील के साथ। मौलवी रेप केस की वायरल वीडियो के बाद हकूमती और गैर हकूमती इदारों को चुप लग गई है और आम मिलने वाली गैरत और शर्मो हया का कहत नाजिल हो चुका है। ज़राए के मुताबिक हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि चुल्लू भर गैरत में डूबने की गुंजाइश भी नहीं रही। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे का कहना है कि काबीना के अरकान पूरा दिन मुँह छुपाते रहे कि कहीं कोई उनसे ये ना पूछ ले कि क्या उनमें इतनी ही शर्म रह गई है कि वो रेप को एक आम समाजी जुर्म के तौर पर तस्लीम करना शुरू कर दें। अलबत्त ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि असूल परस्ती और गैरत को मगरबी साजिश करार दिया गया है कि गैरत आनी जानी चीज़ है। फिलहाल कानों में उंगलियां डालें और रेप के हवाले से किसी भी नए इल्म और मालूमात पर तवज्जो ना दें। इसी तरह ज़ाब्ते अख़लाक़ के दफातर के सामने लगने वाला गैरत और शर्मो हया का ठेला भी गायब हो चुका है। बताया जा रहा है कि ठेले के बहुत सारे मालिकान में से एक मुनाफिक नामी शख्स है। किस्मत की देवी उस पर मेहरबान हुई और उसके हाथों कहीं से आधा पाव शर्म लग गई। असूली तौर पर इस शर्म को मदरसे में होने वाले रेप के वाक़े की मजम्मत के लिए इस्तेमाल होना था, मगर मुनाफिक साहब ने यह सरमाया जलने कुड़ने में ज़ाया कर दिया कि औरत मार्च वाले रेप क्यों नहीं करते। मुला रेप केस का मरकजी किरदार गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस में टॉफियों की तकसीम। अपनी नौकरी हलाल करने पर अफसरान को शाबाश, कुछ को थपकी भी मिली। जहां हकूमती अरकान भी गैरत तलाश करने में हलकान हो रहे हैं, वहां पुलिस ने मरकजी किरदार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के तर्जुमान ने मुल्ज़िम के हवालात में कैद तस्वीर जारी कर दी। सेल में वो तन्हा रखे गए हैं क्योंकि दूसरे कैदियों ने शिकायत कर दी कि कहीं मुल्ज़िम की नीयत उनकी तरफ ना चली जाए। आला पुलिस हुकाम ने शाम गए उन अफसरों में टॉफियां बांटी जिन्होंने मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया था। चंद अफसरान को पीठ पे थपकी भी मिली। तकरीब से खिताब करते हुए पुलिस चीफ ने कहा कि वैसे तो मुल्ज़िम पकड़ना हमारी नौकरी का मकसद है, लेकिन जब वाकई में पकड़े जाएं तो दिली खुशी होती है और आवाम में पुलिस के लिए मोहब्बत उजागर होती है। ईद उल अज़हा पर हुई कलेजी की हड़ताल। कसाईयों ने कह दिया कि जिस कौम में गलत को गलत कहने का जिगरा नहीं, उसको कलेजी खाने का कोई हक नहीं। ऑल पाकिस्तान कसाई फेडरेशन ने बड़ी ईद के मौका पर कलेजियां बनाने से साफ इनकार कर दिया। फेडरेशन के तर्जुमान ने कहा है कि कलेजी जैसी अल्लाह की नेमतें सिर्फ उन लोगों का मुकद्दर हैं जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसाफ और अदल कर सकें। एक ऐसी कौम जो मजहब की आड़ में मर्दाना फिरौनियत की जंग खेल रही हो, वो सिरे से किसी नेमत की हकदार नहीं हो सकती, और जिस कौम में गलत को गलत कहने का जिगरा नहीं, उसको कलेजी खाने का कोई हक नहीं। इस दफा तमाम कलेजी गली महलों के कुत्तों और बिल्लियों में बांटी गई। ट्रांसपोर्ट में बढ़ते हुए जिंसी हरासानी केसेस से निमटने के लिए औरतों ने एक माह के लिए बसों और वैगनों का बायकॉट करने का फैसला किया है। बस और वैगन मालिकान का मर्द हजरात से 3 गुना किराया लेने का फैसला। अंजुमन बस और वैगन मालिकान ने ऐलान किया है कि अगले माह मर्द हजरात से 3 गुना किराया लिया जाएगा। ये फैसला औरतों का बसों और वैगनों के बायकॉट की वजह से लिया गया है। औरतों का कहना है कि लॉकडाउन ने जैसे ही कमी आई है, वैसे ही ट्रांसपोर्ट में जिंसी हरासानी केसेस बढ़ गए हैं। औरतों ने इब्तदाई कदम के तौर पर एक माह के लिए बस और वैगन ना इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इस पर बस और वैगन मालिकान ने कहा है कि किसी और के जुर्म का कफारा क्यों अदा करें, जो हरासानी करते हैं वही भुगतेंगे। अब अक्स डिजिटल की खसूसी रिपोर्ट। मदर्स डे और माँ की गालियाँ। मगरब की देखा देखी हमारे मुल्क में भी अब मदर्स डे यानी माँ का दिन हर साल बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। हर तबके के लोग हस्बे इस्तेदाद अपनी माओ के लिए तहाइफ खरीदते हैं। माओ के साथ भरपूर मोहब्बत और अकीदत से ऐसा गुमान होता है कि कोई भी अपनी जन्नत से महरूम होना नहीं चाहता। फिर ऐसा क्यों है कि हम दूसरे को जलील करने और तैश दिलाने के लिए बिला झिझक उसी माँ
को गालियों पे ले आते हैं। अक्स डिजिटल की टीम की हालिया सर्वे के मुताबिक हमारे मुल्क के बेशतर मर्द बड़े फखर के साथ माँ की गाली देते हैं और इसका इस्तेमाल सिर्फ गुस्से की सूरत में नहीं होता है। बहुत सारे मर्दों का तो ये तकिया कलाम होता है जो हर गुफ्तगू में उनके मुंह से बमिसल फूल बरसता है। ये उनके बकौल मर्दानगी की निशानी है। वो मर्द ही क्या जो माँ और बहन की गालियां ना दे सके। जब अक्स की टीम के कुछ मर्दों से इस बाबत उनकी राय जाननी चाहिए कि क्या उन्हें इस बात पे शर्मिंदगी नहीं होती कि अपनी माँ को तो वो अजीम और बाइसे तकरीम समझते हैं मगर किसी और की माँ के लिए इतनी घटिया जबान का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर का कहना था कि उन्होंने कभी इस पहलू पे गौर नहीं किया। ये तो बस बरसों से उन्हें मुंतकिल होती आई हैं और वो अपने पेशरों मर्दों की इस आदत को आगे फैलाते जा रहे हैं। मर्दों की इस हठधर्मी से अंदाजा होता है कि अभी शायद इंसानी और सिन्फी हकूक पे आवाज उठाने वाली तंजीमों को लंबा अरसा दरकार है मर्दों को ये बावर कराने के लिए कि एक दिन अपनी माओ के नाम कर देना काफी नहीं, औरतों खसूसन माओ और बहनों का एहतराम सब पे लाजिम है अपनी और गैर की तफरीक के बगैर। आज की खबरें यहीं तक। याद रहे कि अक्सनामा की हर खबर ख्वातीन के नज़र से पेश की जाती है, खालिसतन तंज़ व मज़ाक पे मबनी है और इससे किसी शख्स इदारे या नज़रियात की दिलाज़ारी कतन मकसूद नहीं। इसी के साथ आज का अक्सनामा इख्तिताम को पहुंचा। मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।